नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पहचान बुटीक पर। दोस्तों आज मैं बता रहा हूँ कॉलर वाला ब्लाउज जो कि प्रिंसेस कट में रहेगा। ये कस्टमर का कपड़ा है, ये ब्लाउज का अस्तर है। दोस्तों देखिएगा, पहले तो अपन अस्तर काटते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। आगे हुक वाला कॉलर वाला ब्लाउज हम काट रहे हैं। इसके लिए पहले बैक पल्ला हम काटेंगे। इसका नाप है, लंबाई है 14 इंच, इसकी चेस्ट है 35 इंच, कमर है 28 इंच, इसका शोल्डर है 14.5 इंच और आस्तीन की लंबाई 10.5 इंच है। उसका आर्मोल का साइज है 12 इंच और उसकी मोहरी है 10 इंच। पहले वाले वीडियो में मैंने पुराने ब्लाउज से नाप कैसे लेते हैं वो मैंने सिखाया था, उसी के आधार पर ये ब्लाउज हम काट रहे हैं। दोस्तों देखिए कि ये मेरा पहला वीडियो है ब्लाउज का, मैं बहुत अच्छा बताऊंगा आप लोगों को। लंबाई 14 है तो अपने को 15 लेनी है। देखिए 14 है तो 15 लेनी है, क्योंकि आधा इंच ऊपर शोल्डर में दबेगा, आधा इंच नीचे कमर में दबेगा। ठीक है दोस्तों, शोल्डर 14.5 इंच है, उसका आधा में आधा इंच कम करके उसका शोल्डर आएगा, आर्मोल आएगा 7 इंच में। कितने में आएगा दोस्तों? 7 इंच में। ये चेस्ट का, ये आर्मोल का, देखिए अपन निशान लगा लेंगे। कॉलर वाला ब्लाउज है, आधा इंच, आधा से 1.25 इंच ऐसा डाउन करेंगे। चाहे तो आप ऐसा लाइन खींच के ऐसा कर सकते हैं। देखिए अपन ने इतना डाउन किया, किधर? शोल्डर के, इस शोल्डर की तरफ, और यहाँ से एक सीधी लंबी लाइन खींची हमने। ठीक है दोस्तों, चेस्ट नापेंगे हम 35 इंच, 35 का 34 होता है 9.25। देखिए 9.25, इसको लिख लेते हैं 35। कमर है 28, देखिए 7 इंच होता है, 1 इंच टक्स के लिए, जो पीछे टक्स डालते हैं ना, और ये 1.5 इंच की मार्जिन देखिए, और 3.5 इंच में टक्स आएगा साइड से, 3.5 इंच में, ऊपर से 9.5 इंच में। कितना दोस्तों? 9.5 इंच में आधा इंच दबाव छोड़ के। चाहे आप ऐसा लेंगे तो 10 में लगा सकते हैं, ऐसा लेंगे तो ये हम टक्स का निशान लगाएंगे, आधा इंच इधर, आधा इंच इधर, फिर ये चेस्ट का निशान और इस कमर का निशान, ये बीच वाला, इन दोनों को इस लाइन से मिला देंगे, और ये 1.5 इंच की आपकी मार्जिन। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम नाप लिख लेते 28, और शोल्डर की जगह पर शोल्डर देखिए 14.5 इंच है, मतलब 7.25 आधा, उसमें आधा इंच बढ़ा के 7.25। देखिए, और इसको ऐसी सीधी लाइन खींच देंगे और यहाँ से ऐसा राउंड घुमा देंगे। दोस्तों देखिए, कॉलर के लिए गला खोलेंगे 3 इंच का, ठीक, ये बैक पल्ला ये हल्का सा ऐसा कट जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, ये अपना बैक पल्ले का निशान हो गया। इसको कट कर लेंगे। दोस्तों ये कट गया बैक पल्ला, अब इसका आगे का पल्ला काटेंगे। देखिएगा, ये किनारी वाला हिस्सा अपने तरफ फिर रखे हमने। और इसमें इसको जमाएंगे, क्योंकि बैक पल्ला अपना कट चुका है, बैक पल्ले के आधार पर आगे का पल्ला कटता है। आधा इंच हुक आई के लिए हमने छोड़ा है। ये देखिए दोस्तों कैसे जमाया हमने, आधा इंच छोड़कर। ये पेपर कटिंग नहीं है, डायरेक्ट कटिंग बता रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को। यहां से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे नीचे, ये देखिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे,
और यहाँ पर 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा भी अपन लेंगे इसमें। देखिए 3 इंच अपने एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पर, ऐसा शोल्डर वैसी रहेगा, आर्मोल वैसी रहेगा ये, और ये अपने को बढ़ाना है इधर 1 इंच, इधर 3 इंच बढ़ा दिए, ठीक है। यहाँ से सीधा भी काटेंगे क्योंकि शोल्डर तो वैसे ही रहेगा, आर्मोल आगे का जो डाउन कट्टा है वो उसको अपन अलग से काट लेंगे। ये बहुत सरल तरीके से मैं आप लोगों को प्रिंसेस कट ब्लाउज बता रहा हूँ कॉलर वाला, वीडियो पूरा देखिएगा। ये कॉलर का निशान, ठीक है, ये अपना बैक पिल्ले के लिए, इसको उठा लिए, अब इसका काम अभी नहीं है, इसको उठा लिए हमने। अब ये हुक आई के लिए हमने 1/2 इंच जो एक्स्ट्रा लिया है उसका निशान उतार देंगे। निशान उतारना ज़रूरी है दोस्तों, इससे क्या होता है कन्फ्यूजन नहीं होता, चाहे ब्लाउज आप बनाओ या आपका वर्कर बनाए, कारीगर बनाए, ठीक है। ये देखिए अब टफ का सेंटर 1/2 इंच छोड़ के ऊपर से 9.5 इंच में, साइड से 3.5 इंच देते हैं हम, तो हम इसको रख रहे हैं 4 इंच क्योंकि प्रिंसेस कट ब्लाउज है, बीच में ज्वाइंट वाला हिस्सा। ये देखिए ये हो गया ब्लाउज का चेस्ट का सेंटर, ये देखिए ठीक है दोस्तों, ये एक सीधी लाइन खींच दी। आर्मोल का जो सेंटर होता है वहां पर ले जाके जहां टक्स मारते ना, वहां पर ले जाके इसको ऐसा राउंड घुमा दिए, ओके। अब इसको देखिए, ये जो दूरी होती है ना दोस्तों, औरत के चेस्ट का जो उभार रहता है उसके अनुसार इसको दिया जाता है। जैसा ये नॉर्मल बॉडी है, हम इसको 2.5 इंच दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं 2.5 इंच, 2.5 इंच लेके देखिए दोस्तों ऐसा इस शेप दे देते हैं, देखिए कैसा शेप आया, देखिए तो इसको ऐसा कट लेंगे। एक यहाँ कुटका लगा लेंगे ऐसा, देखिए यहाँ लगा लेंगे टच, देखिए ठीक है दोस्तों ये कट गया। अब इसको बैक पल्ले में हम रखेंगे, बैक पल्ले में ऐसा जमा दिए इसको, देखिए 1/2 इंच छोड़कर बिल्कुल क्लियर कटिंग बता रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को। देखिए ये जो होता है ये, इसको आप ऐसा पकड़ेंगे जैसे एक सिलाई लगाते हैं उसी अनुसार इसको ऐसा घुमा लेंगे। देखिए ये, देखिए ये एक्स्ट्रा है, इसको हम काट के निकाल देंगे। देखिए अब ऊपर के हिस्से में जाएंगे, देखिए देखिए दोस्तों ये एकदम परफेक्ट, इसको उसके ऊपर रखेंगे, ये ऐसा जमा लेंगे और यहाँ से इसका आर्मोल आगे का निकाल लेंगे, अगर आपको डायरेक्ट आता है, नहीं तो एक ऐसा निशान लगा लीजिए। देखो दोस्तों ये आर्मोल निकल गया, अब कमर नापेंगे, सामने की हुक आई पट्टी नापेंगे, जैसा अपने पास पुराना नाप का ब्लाउज है तो उसकी हुक आई पट्टी हम नाप लिए। कॉलर छोड़कर देखिए ये लंबाई यहीं तक आती है, आगे पल्ले के बराबर ही आती है, ठीक है दोस्तों। तो इसको यहाँ से ऐसा निशान लगाएंगे, इसको कट करके निकाल दीजिए, ये जो एक्स्ट्रा है यहाँ पर हमने निशान लगाया था, देखिए ये इसको ऊपर करके यहाँ से इसको इसको सीधा काट लेंगे, देखिए बैक पल्ले के बराबर कर लेंगे। यस 1 इंच बाहर रहता है क्योंकि चेस्ट में ब्लाउज बैठने पहनने के बाद वो ऊपर आ जाता है, बराबर दिखता है। यहाँ हमने 3.5 रखा था,
देखिए 3.5 दबाव छोड़कर, आधा इंच इधर छोड़कर, आधा इंच इधर दबेगा, आधा इंच इधर दबेगा, इसको वापस उठाए 3.5 दबाव लेकर, यहाँ से हमने कमर नाप लिया कितना 28 इंच कमर है, और ये चेस्ट का निशान तो अपने पास यहाँ पर है ही है। देखिए ये देखिए, यहाँ से ये सीधा लाइन हमने खींचा और ये लाइन खींची। ठीक है दोस्तों, ये कुट का लगा दिया। दोस्तों ये प्रिंसेस कट ब्लाउज आपका कट चुका है। यहाँ पर एक टक्स डालना है अपने को, यहाँ से याले याले जो सेंटर का निशान रहता है ना चेस्ट का, उससे आधा इंच छोड़कर पापा इंच, आधा इंच टोटल मिलाकर, और ये 2 इंच का रहेगा। दोस्तों अब इसकी आस्तीन काटेंगे हम। देखिए आधा इंच पलटी करने के लिए हमने रख दिया है कपड़े से। आस्तीन की लंबाई जो है 10 इंच की है। देखिए 10 इंच हमने यहाँ पर रखा और आधा इंच ऊपर दबाव के लिए हमने छोड़ा है। देखिए और यहाँ से 3 इंच, कितना 3 इंच, आधा इंच छोड़ के 3 इंच, चाहे तो आप डायरेक्ट 3.5 ले सकते हैं या ऐसा ले सकते हैं। 3 इंच लिया, यहाँ से आपने सीधा एक लाइन खींचा। अपना आर्मोल साइज है 12 इंच। देखिए 12, यहाँ 12 लिख दिए। आस्तीन है 10 इंच की मोहरी, मोहरी 10 इंच है। ये मार्जिन 1.5 इंच की जो ब्लाउज में दिए उतनी, और यहाँ से एक ऐसी लाइन खींचिए और इसको ऐसा राउंड घुमा दिए। देखिए दोस्तों बहुत सरल तरीके से बता रहा हूँ मैं आप लोगों को आस्तीन काटना। ये देखिए इसमें सेट करके देख लीजिए आप, कई बार छोटा बड़ा होता है। देखिए एकदम सही आ रहा है ये। दोस्तों ये एक चिड़िया टाइप की निकलती है, वेल मछली या उल्टी भी चिड़िया रहती है ना, आर्मोल ऐसी निकलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो फिर मैं बनाऊंगा इस ब्लाउज को, इस ब्लाउज के असर को मेन पीस में काटने का मैं वीडियो फिर बनाऊंगा। देखिएगा नेक्स्ट वीडियो।